दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी के दौरान याद रखने वाली कुछ बातों के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो नेगेटिव हैं और कुछ ऐसी बातें जो पॉजिटिव हैं। दरअसल तैयारी के दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पॉजिटिव को अपनाना है और नेगेटिव से दूर रहना है। नेगेटिव पक्ष में वे चीजें आती हैं जो हमारे मनोबल को कमजोर करती हैं और कहीं ना कहीं इससे हमारी तैयारी पर भी बुरा असर पड़ता है। वही पॉजिटिव चीजें वे हैं जो हमारे मनोबल और तैयारी दोनों को बूस्ट करती हैं और जिसका असर हमारे ओवरऑल प्रिपरेशन पर पॉजिटिव रहता है। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों यूपीएससी इतनी भी कठिन परीक्षा नहीं है। आईएएस परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षा में पास प्रतिशत बहुत कम है, 1% से भी कम। हालांकि सच्चाई यह है कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों में से केवल आधे ही इस परीक्षा में बैठते हैं। चूंकि परीक्षा आईएएस पात्रता के आधार पर उम्मीदवारों को कम से कम 6 प्रयासों की अनुमति देती है, इसलिए कई परीक्षा का अनुभव प्राप्त करने के लिए केवल एक बार उपस्थित होते हैं। सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रत्येक उम्मीदवार आपको बताएगा कि एक सतत और समर्पित दृष्टिकोण से आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। सिर्फ एकेडमिक टॉपर सीआईएस को क्रैक नहीं करते। माना जाता है कि सिर्फ एकेडमिक टॉपर ही इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हर साल आईएएस टॉपर्स की सूची इस मिथक को तोड़ती नजर आती है। कई टॉपर्स नॉन डिस्ट्रिक्ट स्कूल और कॉलेजों से आते हैं, उनमें से कई देश के पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार के आईएएस मार्गदर्शन के लिए बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें कई टॉपर्स औसत या कमजोर अकादमिक प्रदर्शन करने वाले होते हैं। हालांकि इन सब का यूपीएससी के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। इस परीक्षा में बस यह मायने रखता है कि एक छात्र आईएएस परीक्षा में कैसे पहुंचता है, वह इसकी तैयारी कैसे करता है, किस तरह का मार्गदर्शन दिया जाता है और आईएएस की तैयारी कितनी लगन से की जाती है। आईएएस बनने के लिए सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है। यूपीएससी परीक्षा के बारे में एक और मिथक यह है कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सब कुछ पता होना चाहिए। निसंदेह यूपीएससी पाठ्यक्रम विशाल है, लेकिन इसे करंट अफेयर्स पार्ट को जोड़कर भी परिभाषित किया गया है। यहाँ तक कि दैनिक करंट अफेयर्स के लिए भी एक तरीका है जिसके द्वारा इसे कवर किया जा सकता है। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण जिसमें उम्मीदवार दैनिक समाचारों का अनुसरण करता है, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, आरएस, टीवी कार्यक्रमों आदि को शामिल करना। छात्रों को सिर्फ सिलेबस के अनुसार सब कुछ पता होना जरूरी है। करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट। यूपीएससी के परीक्षा में करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि इस सेक्शन को इग्नोर किया तो समझिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर हैं। और यदि इस सेक्शन को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके सिलेक्शन के ही नहीं बल्कि रैंक इम्प्रूव होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। अगला है राइटिंग प्रैक्टिस। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए लिखने की प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। उम्मीदवार तैयारी के साथ बीच बीच में निबंध लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। सवालों के जवाब देने के साथ ही अपनी लिखने की स्पीड भी बढ़ानी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा रोज करें रिवीजन। अक्सर तैयारी के समय रिवीजन ना करके अभ्यर्थी सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं कि पूरी किताब पढ़ ली जाए और उसे दोहराया ही ना जाए। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पढ़ने के साथ साथ समय से रिवीजन करते रहिए। इससे पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा और अंक बेहतर मिलेंगे। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पढ़िए। तैयारी के समय लगभग हर टॉपर यह सुझाव देते हैं कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र परीक्षा को समझने और उसे हल करने में मदद करते हैं। तैयारी पूरी हो जाने के बाद अभ्यर्थी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास जरूर करें। यदि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा के दिन परेशान नहीं रहना होगा। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों की मदद से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। धन्यवाद।